अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉफ़ी स्टीमर मशीन, जिसको कि हम एस्प्रेसो मशीन भी कहते हैं। पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी में है, 304 ग्रेड में। ये आप साइड लुक देख सकते हैं मशीन का, ये फ्रंट लुक। मशीन पूरी ऑटोमेटिक में आएगी, ये हमारा ऑटोकट लगा है मशीन में। और ये जो हमारा इनलेट है, जहाँ से हम मशीन में अंदर पानी डाल सकते हैं, ये जहाँ से हमारा बाहर निकलेगा स्टीम वगैरह, और यहाँ जहाँ से हम मशीन में साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मशीन को हम पहले ऑन कर देते हैं। ये हमारे मशीन में पावर सप्लाई जा चुकी है 220 वोल्ट की। मशीन का जो हीटर है ऑन हो गया है और हीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से हमारी ये जो मशीन है, यहाँ पे हम मशीन का वाटर का गेज देख सकते हैं कि मशीन में वाटर कितना है। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ तक हमारे मशीन में वाटर है। तो जैसे ही फुल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा निशान, और पानी जैसे ही कम होगा वो नीचे आ जाएगा। तो अभी तक आप मान के चलो कि मशीन में करीब करीब 70% पानी है। तो कई कस्टमर्स का कहना था कि मशीन में अगर हीटिंग ज़्यादा हो गई, इससे पहले जो हमारे मॉडल्स आते थे उनमें सेफ्टी वॉल नहीं हुआ करता था, तो इस मॉडल में हमने ऊपर एक सेफ्टी वॉल भी दिया हुआ है। कभी कभार अगर हीटिंग ज़्यादा हो जाए, ओवर हीट हो जाए, तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। वैसे ऑटो कट है हमारी मशीन को कट करने के लिए, बट कभी कभार क्या होता है कि मशीन कट तो कर जाती है, लेकिन एलमेट की जो हीट फिर उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए बरकरार रहती है, तो ओवर हीट हो भी सकती है। उसी के लिए हमने ये सेफ्टी वॉल दे रखा है। और ऊपर जो इसका टॉप है, आप देख सकते हैं कि इसमें लेज़र कटिंग में हमने एक फ्लावर डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। यहाँ पर आप कप वगैरह भी रख सकते हैं, आपकी 3-4 कप की जो क्वान्टिटी होगी, 3-4 कप भी रख सकते हो आप यहाँ पर, जो कि टेम्परेचर के कारण गर्म भी रहेंगे आपके कप। यहाँ से हमें मशीन में पानी डालना है यहाँ से, और याद रहे जब भी पानी यहाँ से डाले तो ये वाला वॉल ऑन रखे जब मशीन ठंडी हो। लेकिन और ये हमारा मीटर है जो हमें दिखाएगा कि मशीन की हीटिंग कहाँ तक हुई है। अभी ज़ीरो पे ही है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 20-25 मिनट खाएगी पहला जब भी ये हीट होगा, उसके बाद तो कम ही टाइम लेगी, बट पहला स्टार्ट जब होगी तो 20 से 25 मिनट लेगी ही मशीन। तो मशीन अभी 20 से 25 मिनट लेने वाली है, तो तब तक के लिए हम वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मशीन का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो गया है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि मशीन में हम कॉफ़ी और टी कैसे बना सकते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले चेक करते हैं कि मशीन में स्टीम तैयार हो गई है कि नहीं। बिल्कुल स्टीम पूरी आ रही है। तो प्रिपरेशन के लिए हम आपको दिखा दें, ये हमारी नेस्कैफे की कॉफ़ी है, तो इसमें से हम एक चम्मच लेंगे पूरा। और अमूल ताज़ा का दूध, और एक चम्मच शुगर। अपने हिसाब से आप शुगर ले सकते हैं, कोई ज़्यादा भी लेना चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसमें स्टीम ऑन करेंगे, आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं। टेम्परेचर जो हमारा इस टाइम, ये एक्स्ट्रा स्टीम जो हमारी है ऊपर से निकल गई, आपने अभी शायद नोट्स किया होगा।
हम दिखाते हैं आपको। अब देख सकते हैं कि मशीन में या मशीन ने कॉफ़ी में जाग भी कितनी बना दी। अभी हम आपको ये कप में सर्व करके भी दिखा देंगे। ये हमारा एक कप कॉफ़ी। तो ये था कॉफी का प्रोसीजर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हम चाय वगैरह कैसे बना सकते हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अभी हम थोड़े टाइम के लिए वेट करते हैं, आपको दिखा देंगे हम कि मशीन ऑटो कट मोड में कैसे जाएगी। ये हमारा एक्स्ट्रा स्टीम ऊपर से निकल रहा है। नॉर्मली जो आपने घर में देखा होगा कि प्रेशर कुकर वगैरह में कैसे स्टीम निकलती हैं, वैसा ही मैकेनिज्म रहेगा ऑलमोस्ट। तो अभी हम चाय का सिस्टम दिखाएंगे आपको कि चाय कैसे बनानी है इसमें। यह हमारी चाय की पत्ती हो गई। इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे प्लस दूध। अब देख सकते हैं मशीन जो हमारी है ऑटो कट मोड में चली गई है। आप देख सकते हैं कि मशीन में अभी भी बाग कैसे निकाल रही है। तो हम इसको बिल्कुल लो भी रख सकते हैं ताकि ये आराम से हमारी इसमें स्टीम ऐड कर हो जाए। थोड़ा स्लो। तो ये रही हमारी चाय। तो चाय में आपको छानी वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मशीन में से हमने थोड़ा बाहर निकाला है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है। अभी ये फिर से अप हो रहा है इसका टेम्परेचर। अब देख सकते हैं इसकी जो सुई है आगे बढ़ रही है फिर से। मशीन का जो साइड लुक है इसमें हमने एक्रेलिक ऐड किया है जिस पे कैफ़े लिखा है। बाकी जो बॉडी रहेगी स्टील की रहेगी और इसका जो अंदर टैंक रहेगा वो कॉपर का रहेगा। साइड भी आप देख सकते हैं।
मशीन बिल्कुल गुड लुकिंग में है, आप कैफ़ेज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी मशीन्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें सोफ़ी एंटरप्राइजेज़, रेलवे स्टेशन बारामला, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 7006 276 285 पे। थैंक यू सो मच।